अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान पूर्णांक 60 समय 2.5 घंटे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दिए गए। आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 2, प्रश्न 2.5 मोल हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यह प्रश्न 2 अंक का है। इस प्रश्न को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2, 2.5 मोल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। सबसे पहले हाइड्रोजन तत्व जिसका संकेत 1H1 होता है, हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। प्रश्न में हाइड्रोजन दिया गया है, अतः हाइड्रोजन या हाइड्रोजन अणु का संकेत H2 होता है, इसलिए एक अणु हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में कुल परमाणुओं की संख्या 2 है। एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। मोल अवधारणा के अनुसार एक मोल हाइड्रोजन में कुल हाइड्रोजन के अणु अवोगाड्रो संख्या के बराबर होंगे। 6.023 × 10³³ अणु हाइड्रोजन के। चूँकि हाइड्रोजन के एक अणु में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए अवोगाड्रो संख्या में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। कैलकुलेटेड वैल्यू 1.2046 × 10²² इलेक्ट्रॉन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेटेड वैल्यू आई। अतः एक मोल हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन 1.2046 × 10²² इलेक्ट्रॉन होंगे। चूँकि प्रश्न में 2.5 मोल दिया गया है हाइड्रोजन, तो 2.5 मोल हाइड्रोजन के लिए एक मोल हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.2046 × 10²² इलेक्ट्रॉन आई है। इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अतः 2.5 × 1.2046 × 10²² कैलकुलेटेड वैल्यू 3.0115 × 10²² इलेक्ट्रॉन। 2.5 मोल हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन 3.0115 × 10²² इलेक्ट्रॉन आएगा। ये सही उत्तर है, सही उत्तर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न 26.5 ग्राम सोडा आइस को 400 मिलीलीटर जल में घोला गया, इस विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी। प्रश्न में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 दिया गया है। यह प्रश्न 3 अंक का है। इस प्रश्न को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3, सोडा आयस का सूत्र Na2CO3, रासायनिक नाम निर्जल सोडियम कार्बोनेट।
परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या सोडियम 23, ऑक्सीजन तत्व का 16, कार्बन का 12, अणु भार सोडा एस का कैसे निकालेंगे, 2 सोडियम परमाणु, 1 कार्बन परमाणु, 3 ऑक्सीजन परमाणु, 2 × द्रव्यमान संख्या 23, कार्बन 1 है प्लस 12 प्लस 3 × 16, द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन की 16 है। इस प्रकार अणु भार 106 आएगा। तुल्यांकी भार किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सोडा आयस का अणु भार अपान धन आवेशों या ऋण आवेशों की कुल संख्या, क्योंकि सोडा आयस एक साल्ट है। सोडा आयस को जब तोड़ते हैं या आयनों वियोजित होता है, 2Na+ पावर प्लस 1 है प्लस CO3 पावर 2-, धनावेशों की कुल संख्या 2 होगी या ऋण आवेशों की संख्या कुल 2 होगी। इस प्रकार तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणु भार 106, धनावेशों या ऋण आवेशों की कुल संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार सोडा एस का तुल्यांकी भार 53 आया। नार्मलता का सूत्र, चूंकि इस प्रश्न में नार्मलता पूछा गया है तो नार्मलता का सूत्र कैपिटल एन नार्मलता इज इक्वल टू 1000 × अपान कैपिटल ई इंटू कैपिटल भी। स्मॉल डब्लू सोडा एस की मात्रा, कैपिटल ई सोडा एस का तुल्यांकी भार, भी विलयन का आयतन। चूंकि इस प्रश्न में W का मान 26.5 है तो N इज इक्वल टू 1000 × 26.5 स्मॉल W का मान हो गया, अपान कैपिटल E तुल्यांकी भार वैल्यू 53 आई, 53 × वॉल्यूम 400 मिलीलीटर जल में घोला गया था तो आयतन जो है 400। कैंसिल करेंगे 1000 को, वैल्यू आएगी 2.5, 26.5 को 53 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। इस प्रकार 2.5 में 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 1.25। अतः इस प्रश्न में नॉर्मलता विलयन की जो नॉर्मलता होगी वो 1.25 होगी, ए सही उत्तर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4, आबबाहु नियम के अनुसार नाइट्रोजन पोटेशियम व जिंक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह प्रश्न 3 अंक का दिया गया है, प्रश्न बहुत छोटा है। प्रश्न इस प्रकार सॉल्व करेंगे, प्रश्न संख्या 4, आबबाहु नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, आबबाहु नियम के अनुसार 1s1, 2s पावर 2, 2p पावर 3। बोरबरी नियम के अनुसार नाइट्रोजन तत्व के परमाणु के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आबबाहु नियम के अनुसार पावर 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2, 1 नहीं 2, तो 1s पावर 2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 पावर 2 है 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2p, p उपकोष में
3 इलेक्ट्रॉन पावर 3, 2, 2, 4, 4, 3, 7 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। बहुत बड़े नियम के अनुसार 2, 5 पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अब नियम के अनुसार ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 1s पावर 2, 2s पावर 2, 2p पावर 6, 3s पावर 2, 3p पावर 6, 4s पावर 1, 2, 2, 4, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19 इलेक्ट्रॉन। ए अबव नियम के अनुसार बोरबड़ी नियम के अनुसार 2, 8, 8, 1 ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। लेकिन प्रश्न में अबव का पूछा गया है तो ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम तत्व का बनाया जाएगा। तीसरा तत्व जिंक दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 30 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 होगी जिंक तत्व में। और इस प्रकार बनाया जाएगा 1s पावर 2, 2s पावर 2, 2p पावर 6, 3s पावर 2, 3p पावर 6, 4s पावर 2, 3d पावर 10, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबव नियम के अनुसार जिंक तत्व का है। तो ध्यान रखिएगा एक सामान्य क्वेश्चन दिया गया था तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना था अबव नियम के अनुसार। उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी लोगों को बनाने आता है। पांचवा प्रश्न, श्रृंखला व क्रियात्मक समूह समावयता को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 3 अंक का है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्न संख्या 5, हेडिंग करेंगे श्रृंखला समावयता। कैसे लिखना है? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र में कार्बन तत्व के परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है श्रृंखला समावयता कहलाते हैं या श्रृंखला समावयता कहते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जो संरचना सूत्र है उसमें कार्बन परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार की समावयता को श्रृंखला समावयता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे C5H12 पेंटेन लेते हैं। पेंटेन में 5 कार्बन हैं तो CH3, CH2, 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 CH3 सभी को ऐड करेंगे तो अणुसूत्र C5H12 आएगा। यहाँ पे कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई है C, 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 C एक खुली श्रृंखला में जिसका नाम एन पेंटेन है। सेकेंड CH3, CH, CH3 इस प्रकार CH2, CH3 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गए। कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो अणुसूत्र C5H12 आएगा। यहाँ की जो व्यवस्था है कार्बन की 4 एक सीधी श्रृंखला में है, यहाँ पूरे 5 कार्बन जो हैं वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और एक शाखा में आ गया, ब्रांच में आ गया। तो कार्बन की यह व्यवस्था पहले वाली व्यवस्था से भिन्न है, 4 सीधी में है और पहले वाले में 5 कार्बन एक सीधी रेखा में है और दूसरे वाले में कार्बन 4 ही एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं और एक शाखा में जुड़ा हुआ है जिसका नाम है आइसोपेंटेन।
तीसरा पेंटेन का बनता है CH3, C, CH3, 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 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 68 C5H12 आएगा। लेकिन यहाँ पे सीधी श्रृंखला में 1, 2, 3 हैं, दो शाखा में कार्बन जुड़े हैं, यानी कार्बन की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, जिसका नाम है नियोपेंटेन। तो यह उदाहरण एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन श्रृंखला समायवता के उदाहरण हैं। इन तीनों को श्रृंखला समायवी कहते हैं और जो घटना घटित हो रही है उसे श्रृंखला समायवता कहते हैं। क्रियात्मक समूह समायवता, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, यानी क्रियात्मक समूह कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसके अणुसूत्र समान होंगे और कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र समान होने के साथ साथ जो क्रियात्मक समूह हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, तो इस प्रकार की समायवता को क्रियात्मक समूह समायवता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O, एक कई उदाहरण हैं, एक उदाहरण लेते हैं C2H6O, एक समान उदाहरण है CH3CH2OH बनाएंगे। कार्बन 1, 2, C2 हो गया, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 1, 6 हो गया, ऑक्सीजन 1 अणुसूत्र आ गया, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्रियात्मक समूह यहाँ पे OH है, एल्कोहलिक समूह है। दूसरा, इस संरचना सूत्र से ये बनाते हैं, इस अणुसूत्र से ये संरचना सूत्र बनाते हैं CH3O CH3। यहाँ कार्बन 1, 2, C2 हो गया, हाइड्रोजन 3, 3, 6 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। इसमें क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन परमाणु है जिसे ईथर क्रियात्मक समूह कहते हैं, इसलिए इसका नाम डाइमेथिल ईथर है। इस प्रकार इस कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र से दो प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, एक का नाम है एथिल एल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह OH है, दूसरा यौगिक डाइमेथिल ईथर, यहाँ पे क्रियात्मक समूह जो है ईथर समूह होता है। अतः इसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इस समायवता को क्रियात्मक समूह समायवता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नों को जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 में आए थे आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।